पांडे हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार बीजेपी का जो ऑफिस है अहमदाबाद में, वहां से सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जी न्यूज के स्क्रीन को आप ध्यान से देखें, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन एक तरफ गुजरात असेंबली में क्या हो रहा है उससे जुड़ा हुआ डेटा आप लगातार देख रहे हैं बाबा स्पष्ट करते हुए, ये ट्रेंड्स हैं गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी जो है वो 24 सीटों पर फिलहाल लीड कर रही है। बीजेपी 150 का टारगेट, उसका जो मिशन 150 था उस तरफ कदम बढ़ाते हुए, और साथ ही आम आदमी पार्टी जो है उसकी फाइट है डबल डिजिट में एंटर करने के लिए, लेकिन जो वोट शेयर है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहां पर बयां कर रहा है। बीजेपी के पास 52% वोट शेयर, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जैसा कि हम अभी यहां पर स्टूडियो में डिस्कस कर रहे थे 41% से ज्यादा वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी के पास 2017 में, वो अब इस वक्त 27% इन ट्रेंड्स के मुताबिक है। और साथ ही आम आदमी पार्टी देखिए डबल डिजिट में 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करते हुए, और अदर्स के खाते में 4 लीड इस वक्त है। इंटरेस्टिंग होगा इन अदर्स के भी डिटेल्स लेना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर, जो असल मुद्दे थे विकास का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का इस्तेमाल किया, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का बीजेपी पर है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये अदर्स जो है इसमें क्या AIMIM किसी सीट पर लीड कर रही है, या ये चारों ही यहां पर इंडिपेंडेंट है। अब देखिए वोट शेयर की बात यहां पर की जा रही है, तो 52% वोट शेयर बीजेपी, उसके अलावा 53% एक अपडेट है इसमें, वोट शेयर जो है बीजेपी का वो 53% है, कांग्रेस पार्टी 27% पर, और ये जो अदर्स का पहले 7% था वो कम हुआ है, अब ये वोट शेयर अदर्स के खाते में 6% हो गया है। तो बीजेपी का वोट शेयर यहां पर लगातार प्रदीप कौशल जी बढ़ता हुआ। कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर हम बात करें हिमाचल की स्टोरी पर, वापस मैं लौटूंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर कहना चाहिए थोड़ी सी खुशी वहां पर है कि कांग्रेस फाइट कर पा रही है, लेकिन गुजरात में तो कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेस्ट दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जिस तरह से देखिए मोरबी को काफी बड़ा पॉलिटिकल हथियार बनाया गया था, वहां पर बीजेपी के कांतिलाल शिवलाल अमृतिया वो आगे चल रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई थी, लोगों तक राहत और मदद पहुंचाने का काम किया था, और वही कांतिलाल बीजेपी से आगे चल रहे हैं मोरबी में। काफी सियासत हुई थी मोरबी को लेकर, विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को बड़ा नुकसान इसकी वजह से होगा, बीजेपी को लगातार कॉर्नर किया गया, लेकिन जो मोरबी की जनता है उसने इस वक्त जो ट्रेंड्स हैं उसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कांतिलाल वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, कांतिलाल अमृतिया वो लीड कर रहे हैं मोरबी से। प्रदीप कौशल जी देखिए भाजपा में एक अद्भुत क्षमता है परिस्थिति के अनुसार तुरंत बड़े बड़े निर्णय लेने की। मोरबी में विपक्ष चाह रहा था कि इसी को एक प्रतीक मान करके भाजपा के ऊपर आक्रामक हुआ जाए, लेकिन भाजपा ने उन्हीं विधायक जी का टिकट जो है वो काट करके जो उस समय मोरबी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे